ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज वाली वीडियोस के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप गगन भाई की जैसे अपने रील्स वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ दो मिनट में और वो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग पर। तो गाइज उसी के बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ आसान तरीके से बताने वाला हूँ और सब कुछ एडुजेड बताने वाला हूँ। तो गाइज आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, तभी जाके वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर हिट कर लें, क्योंकि जब भी मैं हमारे चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो भाई चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको वीडियो की प्रोसेस बताते हैं। तो भाई चलिए। सो गाइज इस तरीके का रील्स वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ पैरामीटर स्कूल के सामने आ जाता है। तो गाइज मुझे सिंपली से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों गैलरी ओपन हो जाती है। तो गाइज यहाँ से मुझे एक वीडियो को ऐड कर लेना है। तो गाइज आप जिस वीडियो को भी क्रिएट करना है उस वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। तो गाइज मैं यहाँ से एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से एरर ऑप्शन पे डन कर देता हूँ। डन कर लेने के बाद दोस्तों वीडियो मेरे सामने आता है। तो गाइस यहाँ से मुझे इसका ऑडियो है उसको म्यूट कर देना है। तो गाइस उसके मुझे वॉल्यूम पे जाना है और इसका ड्यूरेशन बिल्कुल जीरो कर देना है। जीरो कर लेने के बाद दोस्तों म्यूजिक पे क्लिक कर देना है और एक म्यूजिक को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो गाइस ये वाला म्यूजिक मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है, पिछली जगह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे ब्लैक बैकग्राउंड डिलीट कर देना है। ब्लैक बैकग्राउंड डिलीट कर देने के बाद दोस्तों स्पीड पे क्लिक कर देना है और यहाँ से रेगुलर पे क्लिक कर देना है और 3/4 कर देना है और यहाँ पे मुझे ऑडियो के बराबर इसको रख देना है वीडियो को। ठीक है, ऑडियो के बराबर रख देना है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे वीडियो के फस्तर में आ जाना है। म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, बीट पर क्लिक कर देना है। तो भाई ये वाली बीट मार्क मैंने पहले से कर रखी है, तो फर्स्ट बीट मार्क आपको 1.98 पे कर लेनी है और दूसरी बीट मार्क आपको 5.3 पे कर लेनी है और तीसरी बीट मार्क आपको 7.47 पे कर देनी है और यहाँ से राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों आपको तीन बीट मार्क करनी है सिर्फ। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों फर्स्ट बीट मार्क पे आके और यहाँ से मुझे स्प्लिट कर देना है वीडियो को। दूसरी बीट मार्क पर आ जाना है और यहाँ से भी स्प्लिट कर देना है वीडियो को। तीसरी बीट मार्क पर आ जाना है और यहाँ से भी वीडियो को स्प्लिट कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे फर्स्ट वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से मुझे वाइट को सिलेक्ट कर देना है और इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, और यहाँ से राइट कर लेना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों अगले वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जूम वन कर देना है। जूम ऑन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों अगले वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मुझे ब्लैक को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से राइट कर लेना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों आपका इतना काम रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मुझे यहाँ पे अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, कि अभी वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। अभी मुझे ब्लर कैसे लगाना है वो भी सब कुछ सीखना है। तो गाइज उसके लिए मुझे यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्टिंग कर लेना है। सबसे पहले वीडियो एक्सपोर्टिंग हो जाने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे बैक कर देना है, सिंपली से यहाँ पे बैक कर देना है। बैक कर लेने के बाद दोस्तों अब मुझे दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले VPN और दूसरा है कैपकट। तो गाइज आपको VPN प्ले स्टोर से मिल जाता है, पिछले जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कोई सा भी एक VPN और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज मेरे पास ये टर्बो VPN, तो मुझे यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ स्कूल के सामने आता है। टैप टू कनेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और ये कनेक्टेड हो जाता है। तो गाइज मुझे यहाँ पे इसको बैक कर देना है। बैक कर लेने के बाद दोस्तों मुझे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ पैरामीटर स्कूल के सामने आता है। तो गाइज मुझे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों जो अभी मैंने वीडियो एक्सपोर्टिंग किया था उस वीडियो को ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लेना है, ये 10 सेकेंड वाला ऐड कर लेना है वीडियो। यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने ये वीडियो आ जाता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों मुझे आगे की ओर आ जाना है और आपके सामने इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इफेक्ट्स वीडियो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन भी दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद सभी इफेक्ट यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाते हैं, तब तक आप वेट कर लीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट खुल के आ जाते हैं। तो गाइस मुझे नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ से हेलो ब्लर को चूज़ कर लेना है। ठीक है, हेलो ब्लर को चूज़ कर लेना है और यहाँ से राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से राइट कर लेना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको वीडियो को प्ले करके देता हूँ वीडियो कैसा बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से वीडियो हमारा बन चुका है। तो वीडियो थोड़ा सा लेग हो रहा है दोस्तों,
गैलरी में आ जाने के बाद नहीं होगा लेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस आपको सिंपली इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्टिंग कर लेना है, ठीक है।